हेलो व्यूअर्स, मैंने पिछली वीडियो में लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना बताया था, तो आज की वीडियो में मैं उनका मुकुट बनाना बताने वाली हूँ। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ऊन ली है, तो यहाँ पर हम सादा चेन बनाएंगे। चेन के लिए इस तरह से हुक निकालेंगे ऊन में से, धागा अपनी उंगली पे लपेट लेंगे और यहाँ पर हम सादा चेन बनाएंगे। तो सादा चेन बना के आप अपने लड्डू गोपाल जी के साइज के हिसाब से आप चेन बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल के साइज के हिसाब से चेन बना रही हूँ, उनके सिर का साइज जो भी है वो उसमें फिट आ जाए। देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के साइज का चेन बना लिया है। उसके बाद हमें ये चेन इस वाले चेन में अटैच करनी है। तो किस तरह से करेंगे, ये सीधी साइड है, इसको ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पर लाकर इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देना है। तो ये आपका सीधा साइड आएगा। यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे। सभी में से डबल क्रोशिया निकालेंगे, सभी चेन में से इस तरह से सभी चेन में से डबल क्रोशिया निकालना है। तो मैं इसे सारा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर हम लास्ट में आ चुके हैं। ये हमारी चेन है और इसको हम फिर जो फर्स्ट चेन का सेकंड वाला पार्ट है उसमें से हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। ये हमारा यहाँ जॉइंट हो चुका है। फिर से हम चेन बनाएंगे। अब जो सेकंड चेन है, हमें सिर्फ एक चेन एक्स्ट्रा बनाना है। यहाँ पर हमें दो एक चेन के बाद हाफ डबल क्रोशिया लेना है। देखिए, ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया लिया है इस तरह से ऐसे। अगर आपके बड़े लड्डू गोपाल हैं तो आप इसको डबल क्रोशिया से ही बनाएं। ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। ये जीरो साइज के लड्डू गोपाल की ड्रेस का मुकुट है। तो इस तरह से आप इस लाइन को कंप्लीट कर लें। तो देखिए, यहाँ मैंने कंप्लीट कर ली है लाइन। और जो ये वाला हमारा चेन है फर्स्ट, इस चेन में से ऊन निकालेंगे और इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए, हमने ये इस तरह से पलट दिया है। धागे को हमें इधर की साइड रखना है, नीचे की साइड से धागा नीचे रखना है, धागा लपेटते हुए उंगली में। इस धागे को हम थोड़ा लंबा कर लेंगे इस तरह से और नीचे की साइड से हम क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से खींचते हुए। इस तरह से हम इनका धागा निकालेंगे, एक बार और धागा निकालेंगे। ये देखिए, दो बार हमने इसमें से धागा निकाला है। उसके बाद तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद जो हमारा ये ऊपर का पार्ट है, ये यहाँ से हम एक धागा उठाएंगे और इसमें इसको अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच से अटैच करने के बाद
हमारा ये लूप बन जाएगा। वापस हम धागा मोड़ेंगे और इसको हाफ क्रोशिया से इस तरह से पूरा यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। यहाँ हमने 5 सिंगल क्रोशिया लिया है, इतना ही इसके अंदर आएगा, 5 सिंगल क्रोशिया 5। उसके बाद जो हमारा ये देखिए पलट देंगे, जो हमारा ये ऊपर का इधर का साइड का एरिया है हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। ये देखिए हम इसको यहाँ पर चेन में अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने ये अटैच कर दिया। धागा पलटेंगे, ऐसे करने के बाद यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1, 2। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट चेन है इसमें से हम क्रोशिया निकालेंगे, सेकंड चेन में से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे, और ये हमारी थर्ड चेन है, तीसरी चेन में से भी हम थोड़ा लंबा डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे, और जो ये पार्ट दिख रहा है हमारा, इसमें से हम धागा निकालते हुए स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में से भी डबल क्रोशिया निकालेंगे, उसके बाद लास्ट वाले में से भी हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से देखें, अब 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3, और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे इस तरह से, और एक नॉट लगा के धागा निकाल लेंगे। धागा थोड़ा लंबा निकालेंगे ताकि हम ऊपर से इसको बंद कर सकें। ये धागा हमने लंबा निकाल लिया है, धागा हमने काट लिया है लंबा। तो इस धागे को हम यहाँ से, जो ये हमारी रॉ बनी हुई है, इसमें से निकालते हुए जाएंगे इस तरह से, फिर नेक्स्ट वाली में से इस तरह से, इसको सभी में से निकालते जाना है, यहाँ तक इसको निकाल लेना है। यहाँ तक धागा निकाल कर इसको थोड़ा सा खींच देंगे और ये थोड़ा बंद हो जाएगा यहाँ से, इस तरह से बंद हो जाएगा, और इसको नीचे की साइड ले जाकर, और ये दूसरा धागा है इसमें आप बांध दीजिए। इस तरह से आप इसे बांध दीजिए और एक्स्ट्रा धागे को काट दीजिए। एक्स्ट्रा धागा हमने काट दिया है, तो ये हमारे कान्हा जी का मुकुट, हमारा लड्डू गोपाल जी का तैयार हो गया। ये देखिए लड्डू गोपाल जी का मुकुट तैयार हो गया। तो व्यूअर्स, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरे वीडियोस नए नए आपको मिल सकें, और इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बटन को एक बार प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।